मामला आप लोगों के ध्यान में होगा, पिछले कल जब कॉलेज के छात्र, हमारी कॉलेज की जो इकाई है, वो इकाई जब अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रही थी, फीस बढ़ने को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, तो इस कॉलेज के जो सीनियर प्रोफेसर है डॉक्टर दीपक कपरेट, मुझे तो प्रोफेसर बोलने में शर्म आ रही है उनको, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने फायदे के लिए, अपने निजी हितार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक समझ के चलते एसएफआई के प्रधान सेक्रेटरी पर हमला बोलता है, उनको मारता है पीटता है, उसके बाद उन्हें संजौली चौक पर मिलने की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है। हमने पिछले कल प्रिंसिपल मैडम को यहाँ पर कंप्लेंट दी, हमने लक्कर जिला पुलिस चौकी के अंदर कंप्लेंट दी। हमारा मानना है कि इस तरह की अगर प्रोफेसर कॉलेज के अंदर हो गए तो सरासर कॉलेज का माहौल जो बिल्कुल ठीक नहीं रहने वाला है। ये प्रोफेसर नहीं है, गुंडे। अभी जब एसएफआई के लोग अंदर मिलने गए तो आप मीडिया के सभी साथी वहां पर थे, हमारे पास वीडियो बनी है, आप लोग देखेंगे उस वीडियो के माध्यम से कि ये जो प्रोफेसर है ये खुद मान रहे हैं कि मैं गुंडा हूँ। हाँ, मैं गुंडा हूँ, तुमने क्या कर लेना। ऐसे गुंडों के लिए हमारे पास एक ही जवाब है, हम पूरे छात्रों को एकत्र करेंगे, पूरे छात्रों के साथ हम इस कॉलेज के अंदर फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम ऐसी गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। एसएफआई का इतिहास बलिदान और कुर्बानियों का रहा है। इस कॉलेज के अंदर इनके जैसे बहुत सारे गुंडे, इनके जैसे बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता जो यहाँ प्रोफेसर बनकर आते हैं, उनके खिलाफ हम लड़े हैं। हिमाचल प्रदेश इस जिले के अंदर हम अभी 250 उनका राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ, उन प्रोफेसरों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो इलीगल तरीके से भर्ती किए गए हैं। ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई आगे जाएगी, निश्चित तौर पर आगे जाएगी। अगर ये रोया इनका रहेगा तो आने वाले दिनों के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे प्रोफेसरों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और इस कॉलेज के अंदर आने वाले दिनों के अंदर पूरे जोर से धरना प्रदर्शन करेंगे, उस कॉलेज को बंद करने का काम। हमने अपनी कंप्लेंट दी है, इन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है। पुलिस कंप्लेंट के तो आप क्या करें, पुलिस कंप्लेंट जो यहाँ से भेज है उसके साथ आप एनएसआई का मेमोरेंडम मेंशन करें, लेकिन वो कौन सा कार्रवाई कर रहा था मुझे बताइए। एनएसआई का क्या कार्रवाई करनी है, एनएसआई का मेमोरेंडम मेंशन करें आप, उसके बाद किस तरह का मेमोरेंडम हो आप बताइए। ऐसे में कंप्लेन करने का बैन था, आप एनएसआई के नाम कार्रवाई करेंगे, चोरी ये कार्रवाई करेंगे। आप हमने ये जाएगा।
आप हमें जानते हैं, हम इस तरह कभी नहीं करते कभी सर, आप जानते हैं हमें सर।